नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मालिक वहाँ की जनता होती है। जनता के पास ये अधिकार आता है कि वो अपने वोट से किस सरकार को बनाएगी और किस सरकार को बाहर कर देगी, कौन सी पार्टी राज करेगी और कौन सी विपक्ष में बैठेगी। तो दोस्तों, भारत में 2024 में चुनाव बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। पहली बार अब जो वोट पड़ेंगे वो 19 अप्रैल को पड़ेंगे। तो दोस्तों, जब कभी भी चुनाव होते हैं तो जो पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो लेकर आती हैं। तो दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो, यानी कि वो तो संकल्प पत्र बोल रहे हैं इसको, कल वो ले आए। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि अब दो बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपने संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो को ले आए हैं। 5 अप्रैल को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था और 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र आ चुका है। दोस्तों, दोनों ही लोगों ने लगभग सेम बातें करी हैं कुछ चीज़ों पर, और कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए समझते हैं कि आखिर दोनों लोगों के मैनिफेस्टो में ऐसा है क्या। आखिर हम वोट देने जा रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस तरह की सोच रखती है और वो हमारे लिए आगे क्या करना चाहती है। तो अगर बात करें दोनों ही लोगों की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही लोगों ने यूथ की बात करी है, फार्मर की बात करी है, महिलाओं की बात करी है और उनके स्वास्थ्य की बात करी है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करी है। तो दोस्तों, समझते हैं कि पूरी मैनिफेस्टो है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो बात युवाओं की करते हैं, यूथ की। तो भारतीय जनता पार्टी ने यूथ के लिए जो प्रॉमिस किया है वो ये किया है कि जो ये पेपर अभी होते हैं वो लीक हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये उसके लिए कानून लेकर आएंगे जिससे कि ये चीज़ें ना हो सकें कि पेपर लीक हो गया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला है कि हम जो भी वैकेंसीज खाली हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी फिल करेंगे और यूथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। वहीं तीसरी चीज़ अगर बोली देखी जाए तो इन्होंने ये बोला है कि हम भारत की जो इकॉनमी है यूथ के लिए वो ऐसी कर देंगे एक, ताकि यहाँ स्टार्टअप का माहौल बन जाए भारत में, कि यहाँ की जो भारत की इकॉनमी है वो स्टार्टअप से चले, उसमें स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा हाथ हो। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और जिससे में ड्राइव करे यूथ, यूथ की भूमिका अहम हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यूथ के लिए बोला है कि सभी लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम दूर करेंगे, पहला चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सभी को हम अप्रेंटिसशिप कराएंगे, एक साल की कराएंगे और उनको 1,00,000 रुपए पूरे साल में हम पे भी करेंगे उसके लिए। ये सभी के लिए होगा, सभी सीखेंगे और चीज़ों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस का सबसे बड़ी चीज़ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोगों के लिए नौकरियां लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यूथ से एक और वादा किया है कि उनका जो मुद्रा लोन है अभी, जो जिसमें 10,00,000 रुपए तक का लोन मिलता है, उसकी लिमिट को डबल कर देंगे, यानी कि वो 20,00,000 तक मिलेगा। ये तो रही यूथ की बात। दोस्तों, इसके साथ अगर हम अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है वो ये बोला है कि अभी जो लखपति दीदी नाम की जो स्कीम चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब जब हम सरकार में आएंगे तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ये इनका सबसे मेजर चीज़ है वुमेंस के लिए। दूसरी चीज़, जो ये वुमेंस रिजर्वेशन बिल लेकर आए थे उसको ये अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे राज्यों के साथ सहयोग लेते हुए। तीसरी चीज़, अब ये महिलाओं की हेल्थ के लिए काम करेंगे, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, अनेमिया हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वुमेंस को। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जो भी महिलाएं हैं
इनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में 50% इनके लिए सीट्स रिजर्व कर देंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में 50% महिलाएं ही होंगी, ये 2025 से वो लागू कर देंगे। दूसरा, जो भी महिलाएं अभी जॉब में हैं उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बना दिए जाएंगे ताकि उनको रहने की दिक्कत ना हो। तीसरी चीज, महिलाओं के लिए ये करना, ये चाहते हैं कि जो भी पुअर इंडियन फैमिली है उनकी महिलाओं को साल में 1,00,000 रुपए देंगे बिना किसी शर्त के। लेकिन ये जो पुअर इंडियन फैमिली है इसकी अभी डेफिनेशन कांग्रेस ने नहीं बताई है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो शर्तें लागू लिखा होता है, कंडीशन अप्लाई, वैसे ही ये मुझे लग रहा है पुअर इंडियन फैमिली जो इन्होंने क्लॉज डाल दिया ये कुछ वैसा ही होगा। अब ये क्लियर कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बोली हैं। अगर फार्मर्स की बात करें यानी कि किसानों की, तो किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो MSP का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो भी ये MSP होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको जैसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है वैसे ही ये हम बढ़ाते रहेंगे ताकि किसानों को ये मिलता रहे और उसका किसान फायदा उठाता रहे MSP का। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो अभी प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना जो है इसको और बढ़ाएंगे जिससे कि किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और उसको जो उसकी फसल है उसका बीमा, उसको इंश्योरेंस जो मिलता है उसको वो बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाए और अपने नुकसान को कम कर सके। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने MSP के लिए ये बोला है कि अब हम सिर्फ MSP की बात नहीं करेंगे, इसको हम एक कानून बना देंगे, लीगल गारंटी दे देंगे ताकि किसान हक से MSP को ले सके और गवर्नमेंट को MSP पे चीज़ें खरीदनी ही पड़े, फसल खरीदनी ही पड़े। तो किसानों के लिए तो ये अच्छी चीज़ है देखा जाए तो, अगर लीगल गारंटी बन जाती है। लेकिन ये कांग्रेस ने गारंटी दी है, अभी मैनिफेस्टो में बोला है। दूसरी चीज, ऐसे ही अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें और उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि ये जो एम्स का नेटवर्क है ये इस नेटवर्क को बढ़ाएंगे, ये एम्स के मतलब जो अभी एम्स बने हुए हैं और भी ज़्यादा एम्स के देश में बनाएंगे ताकि और भी लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरी चीज़, ये जो जन औषधि केंद्र हैं तो ये इंश्योर करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से हो सके और लोगों को और सस्ते में दवाइयाँ ये जन औषधि केंद्र के द्वारा मिल सके। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी हेल्थ सेक्टर के लिए ये बोला है कि हम सभी के लिए इलाज की व्यवस्था करेंगे, जैसा अभी इन्होंने राजस्थान में किया हुआ था कि सभी को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस दे रखा था, कि कैशलेस इंश्योरेंस जैसे होता है वो सभी लोगों को था वहाँ पर, वैसे ही ये पूरे राज्य में, सॉरी पूरे देश में कर देंगे, सभी को कैशलेस इंश्योरेंस मिल जाएगा जिससे लोग अपना इलाज आराम से करा सकेंगे, इससे लोगों का बोझ कम होगा। वहीं अगर हम दूसरी चीज़, एक और भी बोली है कांग्रेस ने कि अभी गरीबों का इलाज सभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे ये इलाज मुफ्त में देंगे, ये कांग्रेस का वादा है। हालांकि ये जो मुफ्त इलाज वाली बात है ये अभी चल रही है, ये अभी कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो आपको मुफ्त में ही लगभग सब चीज़ें मिलती हैं, आपको सिंपल एक पर्चा मिल बन जाता है और आप अपना इलाज करा लेते हैं वहाँ पे। ये हेल्थ सेक्टर के लिए बात हो गई। अगर हम बात इकॉनमी की करें तो इकॉनमी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी का ये वादा है कि हम अब जब अपने नेक्स्ट टेन्योर में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, जो अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये एक प्रॉमिस है। दूसरा, जो टैक्स पेयर हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ये उनको सम्मान देंगे, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उनको चोर वाली नज़रों से देखें, ऐसा नहीं करेंगे, ये एक फैसिलिटी। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करेंगे और इनकी कोशिश ये रहेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो जनरेशन हो, इस पे फोकस रहेगा। और इन्फ्लेशन को ये सिंगल डिजिट में रखेंगे, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर है
वो करीब 5% के आसपास है। तो इनका ये कहना है कि हम इसको सिंगल डिजिट में ही रखेंगे, जैसे आज से करीब 15 साल पहले ये डबल डिजिट में भी पहुंच गई थी, यानी कि महंगाई की दर 10% या इससे ज़्यादा हो गई थी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये इकॉनमी के लिए जो काम करेंगे, अभी जो हमारी इकॉनमी है 3.7 trillion की इकॉनमी है, ये अगले 10 साल में इसको डबल कर देंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि GST में अभी अलग अलग तरह के टैक्स हैं जो ये एक सिंगल टैक्स बना देंगे। अब मुझे तो खैर नहीं समझ में आता कि अलग अलग GST में कौन से टैक्स हैं, मेरी फाइनेंस में तो एक्सपर्टीज है बट मुझे नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस का कहना है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है ये करेंगे। और ये यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इसमें इकॉनमी में करेंगे, बेसिकली यही इनका प्रॉमिस है। इसके अलावा अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी में BJP का कहना है कि हम थिएटर कमांड बना देंगे, जैसे कि कोई नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है, जो रीजन वाइज होती है, इस तरह से हम सभी अपनी आर्मी को, सभी सेनाओं को अलग अलग डिवीजन में बांट देंगे और उसके लिए एक जैसे CDS होते हैं वैसे ही हम एक CDS होंगे, वो सभी लोगों को मैनेज करेंगे, सभी को देखेंगे। दूसरी चीज़ एक सेना ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि हम अपनी मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाएंगे, मतलब जो हमारी फोर्सेज हैं इनको हम इक्विपमेंट अच्छे से देंगे, नए इक्विपमेंट आधुनिक हथियार देंगे। दूसरी चीज एक ये हो गई। और इनका ये कहना है कि जो भी हमारे बॉर्डर की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको हम और तेज़ी से बढ़ाएंगे और अच्छे से अपनी सेनाओं को फैसिलिटेट करेंगे, ये बोला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हम ORP यानी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे, जैसे इन्होंने 2014 में बोला था वैसा कर देंगे। भाजपा ने जो किया है वो इनको पसंद नहीं आया, एक चीज़। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि हम सेना को और मजबूत करेंगे, उनको ज़्यादा और फ्रीडम देंगे, ऐसा बेसिकली इनका कहना है। वहीं बात अगर एनवायरनमेंट की करें तो एनवायरनमेंट में इनका ये कहना है कि भाजपा का कि हम एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को और बढ़ाएंगे, एक स्टैंडर्ड पे लाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि 60 शहर कम से कम देश के ऐसे हों जो उस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव कर सकें, मेंटेन कर सकें, और एयर क्लीन जो नेशनल क्लीन प्रोग्राम चलता है उसको और बढ़ाएंगे। लगभग सेम बात कांग्रेस ने भी ऐसी ही बोल रखी है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा एक चीज़ और भी यूथ के लिए बोली है, स्पेशली कांग्रेस ने बोली है, तो मैं वो बताना चाहूँगा। कांग्रेस ने बेसिकली ये जो फ्रीलांसर होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने से काम करते हैं कोई, उनके लिए बोला है कि हम उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनके लिए अलग से फैसिलिटी देंगे। एक ये भी चीज़ अच्छी चीज़ है, वेलकम करना चाहिए। तो ये तो कुछ गारंटीज़ BJP की थी, कुछ कांग्रेस की थी। दोस्तों मैंने सोचा कि आपको संक्षेप में आके पूरी चीज़ बता देनी चाहिए, जितनी मैं पढ़कर समझ पाया चीज़ों को। दोस्तों अगर कुछ इसमें कमी रह गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि कम शब्दों में आपको सिंपल शब्दों में पूरी चीज़ों को समझा दिया जाए। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, आगे और आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।